चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एफए टेस्ट के पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक किया था. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 3.3. 3.3 के अंदर हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो यहाँ पर कुछ मैं प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की जो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल. इक्वल मेजर के होते हैं पैरेललोग्राम. सपोज ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल इन मेजर. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इट मीन्स जो ये एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. सपोज ये ए एंड डी आर एडजेसेंट एंगल एंड इन दोनों का मेजर कितना होगा आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री इट मीन्स 180 डिग्री. आप लोगों ने 6th-7th में स्टडी किया है. ओके, तो ये जो ए एंड डी जो भी एडजेसेंट एंगल है, ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, तो जो भी एडजेसेंट एंगल है दे आर सप्लीमेंट्री. इट मीन्स उनका मेजर होगा 180 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है The diagonal of a parallelogram bisect each other. Okay, जो parallelogram के ये bisect हैं, diagonals हैं. Diagonals हमेशा एक दूसरे को bisect करते हैं. Bisect करते हैं, it means intersect जो करते हैं वो equal part में divide करते हैं. It means ये हमेशा इनके बीच के जो angles होते हैं वो 90 degree होते हैं या right angles होते हैं, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. Okay. तो यहाँ पर हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, उसके थ्रू हम यहाँ पर क्वेश्चन सम्स सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट सम है फिलप्स, गिव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन, ये गिवन है हमको. ओके, यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है तो इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू हमको ये फिलप्स सॉल्व करने हैं. ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा बी सी. देन एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल से. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा एंगल डी ए बी. अंडरस्टैंड, सेम ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए. वाई? बिकॉज ऑफ ये डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, बाइसेक्ट करते हैं, इसके लिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए. देन है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए. ओके, डी ए बी एंड सी डी ए. ओके, सो ये एंगल है और ये एंगल है जो एडजेसेंट एंगल है, दिस एंड दिस एंगल. ओके, इन दोनों एंगल के बारे में बताया हुआ है हमको, तो इनका सम कितना होगा. सो अभी हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज स्टडी किया है कि जो भी एडजेसेंट एंगल है वो दे आर सप्लीमेंट्री. इट मीन्स उनका सम कितना होगा 180 डिग्री. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू हमको यहाँ पे सम सॉल्व करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. सो फर्स्ट यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है हमको 100 एंड यहाँ पर है वाई, तो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड 100 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, ये प्रॉपर्टी है उसकी पैरेललोग्राम की. ओके, तो हमको y फाइंड हो गया. y के थ्रू अगर हम यहाँ पे z भी फाइंड कर सकते हैं एंड इसके थ्रू भी z फाइंड कर सकते हैं और इसके थ्रू भी z फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर करें फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज है कि जो भी एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये इसके रीजन लिखना आपको कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। किसके थ्रू आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आपको इसके रीजन लिखना और प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है। ओके, सो यहाँ पर एंगल भाई कितना है, हमको एंगल भाई मिला। हमको यहाँ पर एंगल भाई की जगह हम यहाँ पर एंगल भाई लिख सकते हैं। ओके, सो एंगल भाई इज 100 डिग्री प्लस जेड प्लस 180। सो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो इट इज 80 डिग्री। ओके, सो एंगल जेड इज 80 डिग्री। देन हमको फाइंड करना रहा एंगल एक्स। सेम एंगल एक्स, ये एंगल जेड एंगल एक्स इज अपोजिट एंगल। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इस टाइप से हमने ये सम नंबर वन किया। ओके, ये हमारा वन है। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। ओके, तो यहां पर हमको क्वेश्चंस यहां पे चेंज कर देना है। देखिए अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री एडजेसेंट एंगल पर हम जाते हैं या अपोजिट एंगल पर जाएंगे। फर्स्ट हम एडजेसेंट एंगल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, सो इसको हम रिमूव कर देंगे, ये हमारे काम नहीं करने वाला है अभी। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, इट मीन्स हमने लेना है एंगल 50 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये इसका रीजन लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो ये हुआ 130 डिग्री। ओके, सो वन एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारा हुआ 130 डिग्री। देन अपोजिट एंगल, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल किया आपने, अब एंगल जेड निकाल लेते हैं हम। एंगल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 एक्स, या फिर अपोजिट एंगल कर लेते हैं हम, तो 50 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, अगेन इट इज 130। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये अपोजिट एंगल था, सो ये हुआ 50 डिग्री, है ना, और ये सप्लीमेंट्री एंगल था इसका, तो 180 में से हमने 50 माइनस किया, तो z हमको कितना मिला 130 डिग्री। ओके, देन एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल x कितना है हमारे पास, एंगल x इज 130 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इस टाइप से आपको दूसरे सम्स भी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसी टाइप से करना है आपको, सो आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पर हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के थ्रू हमको यहाँ बताना है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर फिगर देखें फर्स्ट के लिए, सो यहाँ पर एंगल B एंड एंगल D, ओके, ये C एंड ये A। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, एंगल B एंड एंगल D, अपोजिट एंगल से, और अपोजिट एंगल का सम कब होगा 180, जब ये दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री होंगे, है ना, 90 डिग्री होंगे, इट मीन्स ये स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम का एक टाइप है स्क्वायर, सो ये हमारे लिए राइट है। ओके, फर्स्ट इज यस आंसर होगा। ओके,
Then second number AB is equal to DC. यहाँ पर हम draw कर लेते हैं first AB, C and D. Okay, तो AB is equal to DC. AB is equal to DC और ये दोनों कितना है 8 सेंटीमीटर. Then AD is 4 सेंटीमीटर and BC is 4.4 सेंटीमीटर. Okay, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है बट दिस अपोजिट साइड इज नॉट इक्वल. ओके सो यहाँ ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा. ओके आंसर इज नो. देन थर्ड नंबर देखिए आप एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री. ओके देन एंगल ए एंड एंगल सी यहाँ पर दिख रहा है हमको. थर्ड के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. ये देखिए ए B, C and D. Opposite angle, angle A 70 degree है और angle C is 65 degree. ये opposite angles हैं और अभी हमने parallelogram की property क्या study किया है कि opposite angles are equal. यहाँ पर ये दोनों equal नहीं है, so it is not a parallelogram. Okay? A is not equal to angle C, so it is not a parallelogram. Okay? Then question number 4, rough diagram draw करना है, आप लोग try करना. Then question number 5, मैं बताती हूँ आपको, the measurement of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. Okay, first we draw a parallelogram. This is a parallelogram A, B, C and D. Ratio given है हमको 3:2 for adjacent angle. Adjacent angle it means this and this. कोई भी two adjacent angle हो सकते हैं. आप ये ले लीजिए या ये, है ना? तो यहाँ पर जो भी adjacent angle का है, suppose हमारे पास adjacent angle है ये और ये, है ना? तो हमने इसको लिया 3x and 2x. तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना आ जाएगा 3x plus 2x is equal to 180 because of adjacent angle are supplementary. ओके सप्लीमेंट्री है सो ये 180 डिग्री होगा. सो इनका सम कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू 180 बाय 5. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 3 15 एंड 5 6 30. ओके x का वैल्यू 36 है सो हमको एंगल्स कितना मिलेगा एंगल 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36. 3 6 18, 3 3 9 and 1 10, then 2x. 2x is 2 into 36, 2 6 12 and 2 3 6 and 7. Okay, so adjacent angle 108 and 72 है. अगर यहाँ पर हम check करने के लिए check करें तो ये दोनों का sum हमको 180 मिलेगा. Okay. तो ये हमारा आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर राइट है. यहाँ पे आंसर अपना चेक कर सकते हैं इसी. ओके तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इस लेक्चर में सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम सॉल्व करेंगे. बाय.